सो हेलो स्टूडेंट्स, जो अभी आप सब लोग आज नीट का एग्जाम दे के आए हैं और बहुत सारे बच्चे जो पहली बार अपियर हो रहे हैं, ठीक है, वो ये जानना चाहते हैं कि 2024 में यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या हो सकती है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो इसके लिए हमें 2022 और 23 का जो क्वालिफाइंग कट ऑफ रहा है और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हुए अपियर फाइनल, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया 2022 में 23 में, और उसके बाद क्या रिजल्ट में हमारी कट ऑफ देखने को मिली। तो पिछला एक बार डेटा एक बार हम लोग रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, डेटा देख लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन बना सकते हैं कि लगभग एक एक्सपेक्टेड मार्क्स भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं इस वीडियो में कि लगभग आपकी क्या कट ऑफ इस बार जा सकती है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये फाइनली एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप नीट जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं और अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं है तो क्वालिफाई ना होने पे आप किसी भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो, आपको कहीं ना कहीं ड्रॉप लेना पड़ेगा अगर आप मेडिकल कोर्स में जाना चाहते हो, किसी भी कोर्स में, चाहे वो BDS हो, BSMS, BUMS। क्योंकि पहले ये होता था कि बच्चे अगर डिस्क्वालिफाइड हैं तो डिस्क्वालिफाइंग कैंडिडेट को भी लास्ट में जाके ऑप्शन मिल जाता था, लास्ट में कॉलेजेस की में जब सीट वैकेंट रहती थी प्राइवेट कॉलेजेस में तो वहां पे अलाउ कर दिया जाता था कि आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, उसका एक अलग से रिवाइज कट ऑफ दे करके कुछ कट ऑफ को कम करके बच्चों को अलाउ कर दिया जाता था। लेकिन अब 2023 में 22 में रिसेंट के ईयर्स की अगर हम बात करें तो अभी 2023 में एकदम स्ट्रिक्ट हो गई ये चीजें, तो क्वालिफाई करना आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए एक सेफ साइड स्कोर हमारा कितना अगर आ रहा होगा, आपने एग्जाम दिया है आप आइडिया लगा सकते हो। एक बार 22 का डेटा देखते हैं, 2022 में टोटल बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन किए वो रजिस्ट्रेशन थे हमारे 18,70,000 बच्चे अपियर हुए रजिस्ट्रेशन किए और 17,62,000 बच्चों ने एग्जाम में अपियर हुए, तो लगभग 17,62,476 बच्चे ये हमारे अपियर्ड स्टूडेंट थे, जिसमें से क्वालिफाइंग कैंडिडेट थे लगभग 9,51,000 बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए थे। तो ये जो क्वालिफाइंग डेटा है और आपका ये जो अपियर वाले कैंडिडेट्स हैं, इसके बेसिस पे जो कट ऑफ आई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे बच्चों के एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो इसके बेसिस पे जो कट ऑफ आई 117 नंबर हमारी कट ऑफ थी जनरल EWS वाले EWS और जनरल वाले कैंडिडेट के लिए या अनरिजर्व वाले कैंडिडेट्स के लिए, और OBC SC ST के लिए कट ऑफ थी 93। तो 117 और 93 कट ऑफ थी हमारी नीट के अंदर 2022 में। अब अगर हम बात करें इसे 23 की, तो 23 का आप डेटा देख सकते हो, यहाँ पर 2,000,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2022 के कंपेरिजन में 23 में बढ़ गए थे, 2,000,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और 2,36,000 बच्चों ने लगभग यहाँ पे एग्जाम दिया, जिसमें से 11,44,000 बच्चे क्वालिफाई हुए। और इसमें जो कट ऑफ आई थी, अब 2,000,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 11,00,000 क्वालिफाई हो रहे हैं 11,30,000 के आसपास, तो यहाँ पर जो कट ऑफ आई 137 मार्क्स का कट ऑफ आया जनरल और अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए, EWS के लिए और जो हमारे अनरिजर्व वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, जनरल EWS इनके लिए 137 नंबर का कट ऑफ आया। फिर यहाँ पर हमारे जो OBC SC ST के लिए 107 नंबर का कट ऑफ आया। तो डेफिनेटली जहाँ 22 में हमारा 93 नंबर कट ऑफ था और यहाँ हमारा 117 नंबर कट ऑफ था, तो ये एक सीधे सीधे काफी बड़े नंबर पे हाई हुआ, कहीं ना कहीं ज्यादा नंबर कट ऑफ आपका काफी ज्यादा बढ़ा, ठीक है। अब 2023-24 की अगर हम बात करें तो 24 में एक फैक्ट है कि बच्चों को ये भी पता है कि भाई सर सीट्स बढ़े हुए, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गए हैं, तो क्या कट ऑफ कम जाएगी या क्या सिनेरियो रहेगा। तो अगर हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ जो टोटल रजिस्ट्रेशन है अभी तक अपियरिंग कैंडिडेट का डेटा अभी आगे आ जाएगा, कितने बच्चों ने आज एग्जाम अटेंड किया है तो वो आपको आगे शेयर करेंगे। फिलहाल लगभग यहाँ पर 23,00,000 बच्चों ने 23,81,00,000 23,81,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कम से कम इसमें जो बच्चे 23,00,000 के आसपास टोटल बच्चे तो अपियर होंगे ही, होने चाहिए, ठीक है। और इस कंडीशन पे अब जब बच्चे अगर 23,00,000 भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, हम मान के चलो अब 22.5 लाख बच्चे भी एग्जाम देते हैं, 22.5 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं, तो इसमें जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लेके चल सकते हैं, ये तो डिसाइड क्लियर है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कट ऑफ बढ़नी चाहिए। अब कितनी कट ऑफ लगभग जा सकती है, तो जनरल अनरिजर्व्ड और EWS के लिए लगभग 140 से 145 मार्क्स की कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर OBC SC ST की बात करें तो यहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 120 से 125 नंबर जिस बच्चे के होंगे वो नीट क्वालिफाई कर लेगा, उसकी क्वालिफाइंग कट ऑफ लगभग यहाँ पे वेरी करनी चाहिए कंपेरेटिवली 22 और 23 के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। रेस्ट जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो सबको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गए हैं, उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है बहुत ज्यादा आपके कट ऑफ में देखने को नहीं मिलेगा। और जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल चीज है वो ये है कि नंबर ऑफ टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट, तो मैक्सिमम बच्चों ने 2023 में रजिस्ट्रेशन किया है, इस वजह से इसलिए यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तभी आप किसी भी कोर्स के लिए काउंसलिंग करा पाएंगे, आप आगे एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप डेफिनेटली किसी भी अदर रिसोर्स से या बाद में कोई रिवाइज कट ऑफ ऐसा नहीं देखने को मिला है, तो डेफिनेटली आपके लिए क्वालिफाई होना कंपलसरी है।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और हम लोग और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे लाते रहेंगे आप सबके लिए, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।